हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है मॉनेटरी थ्योरीज ऑफ ट्रेड साइकिल में, जो उसका कि ट्रेड साइकिल जो होता है उसका फेजेस क्या होता है, उस व्यापार चक्र की जो अवस्थाएं होती है वो कितनी अवस्थाएं होती हैं, आज हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। व्यापार चक्रों की अवस्था में परिवर्तन क्या क्या होता है, एक नियमित ढंग होता है उसका, क्या होता है एक रेगुलेटरी होती है कि एक चक्र चलेगा उसके बाद दूसरा चलेगा उसके बाद तीसरा चलेगा उसके बाद चौथा, ये क्या होगा एक रेगुलर बेसिस के ऊपर चलता रहता है। जो क्या होता है, सबसे पहले इसमें प्रॉस्पेरिटी आती है, फिर इसमें हमारा क्या आएगा रेसेशन आता है, फिर रिकवरी आता है, फिर इसमें क्या आता है डिप्रेशन आता है। ये चार कंडीशन क्या होती है किसी भी ट्रेड साइकिल की, जो कंडीशंस होता है कोई भी ट्रेड साइकिल होता है जो वो चार अवस्थाओं से होकर गुजरता है। इसमें जैसे कि आपको डायग्राम में शो हो रहा है, प्रॉस्पेरिटी मतलब कि ये क्या है समृद्धि का प्रतीक होता है, यह है कि जब किसी व्यापार को क्या होता है वो स्टार्ट करते हैं, उसके लिए हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या आती है प्रॉस्पेरिटी बूम के अंतर्गत आती हैं। बताया गया है कि भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों ने व्यापार चक्र के मार्ग की विभिन्न अवस्थाएं बताई हैं, इन्हें विभिन्न अवस्थाओं में बांटा है तथा इन अवस्थाओं के विभिन्न नाम भी दिए हैं, उनमें से कुछ मुख्य हैं। इन्हें अलग अलग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रॉस्पेरिटी बूम बताया है, रेसेशन बताया है, रिकवरी बताया है, डिप्रेशन बताया है। जो हमारा सबसे पहला है प्रॉस्पेरिटी, उसको हम कहते हैं पूर्ण रोजगार के नाम से भी हम इसको जान सकते हैं, ठीक है, या समृद्धि के नाम से इसको जान सकते हैं। सेकंड आता है हमारा रेसेशन। रेसेशन क्या होता है हमारे यहाँ पे, एक तरीके से हम उसको कह सकते हैं अवसाद की जो स्थिति होती है उसको हम क्या कहते हैं रेसेशन का नाम दे देते हैं, अवरोध जिसे हम कहते हैं। थर्ड आता है हमारी रिकवरी। रिकवरी को हम कहते हैं पुनः उद्धार के नाम से जानते हैं। और डिप्रेशन हमारा होता है अवसाद की, प्रोडक्ट ख़त्म होने की इकदार पर है। अब इसको अलग अलग राइटर्स फिर से अलग अलग डिफाइन करते हैं। जो हमारे क्या है वुड साइमन है, उन्होंने क्या कहा है किसी भी जो ट्रेड साइकिल होता है वो चार अवस्थाओं से होकर गुजरता है। उन्होंने बताई है सबसे पहले प्रॉस्पेरिटी जिसको हम समृद्धि कहते हैं, फिर कहा है हमारे यहाँ पे इन्होंने डिक्लाइन बताया है, गिरावट जिसे कहते हैं, अवरोध जिसे बताया है, इन्होंने अवसाद बताया है जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं, फिर हमारा पुनः उद्धार इन्होंने रिकवरी बताया। ऐसे ही एक राइटर है जे ए इस्ट, इन्होंने भी चार अवस्था बताई हैं। सबसे पहले एक्सपेंशन का नाम दिया है इन्होंने, फिर रेसेशन का नाम दिया है, फिर उसका कंस्ट्रक्शन का नाम दिया है, फिर दिया है उसको रिवाइवल का नाम दिया है। अब बात करते हैं हम सबसे पहले कि हमारी जो अवस्था होती है वो सबसे पहली जो अवस्था है, इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें सबसे पहली अवस्था हमारी क्या है प्रॉस्पेरिटी अवस्था होती है, जिसको हम क्या कहते हैं फुल रोजगार के नाम से भी हम जान सकते हैं। प्रॉस्पेरिटी अवस्था किसी भी ट्रेड साइकिल की वह अवस्था होती है जिसमें क्या होता है जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है, तो जब वो प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उसके लिए क्या कहता है एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, उसका प्रमोशन किया जाता है, और एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन करने से वो जो प्रोडक्ट होता है मार्केट में बहुत ज़्यादा उसको लोग लाइक करने लगते हैं, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, लोग उसको खरीदने के लिए मार्केट में परचेज करने के लिए जाते हैं, तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं प्रॉस्पेरिटी की अवस्था या समृद्धि की अवस्था के नाम से हम उस अवस्था को जानते हैं। इसमें क्या होता है जब प्रोडक्ट हमारा मार्केट में आएगा तो लोग उसको क्या देखेंगे, उसका एडवर्टाइजमेंट देखा, उसकी पैकिंग देखी, तो उसके द्वारा क्या हुआ लोग अट्रैक्ट हुए, लोगों ने अट्रैक्ट होने के कारण क्या किया उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए गए। तो जितनी भी हमारी क्या होती है सप्लाई होती है उसी के अकॉर्डिंग हमारी क्या होती है डिमांड होती चली जाती है। अब देखते हैं इसमें क्या बताया कि इसमें क्या होता है जो रोजगार होता है पूर्ण रोजगार के बिंदु पर होता है। व्यापार की यह अवस्था एक अति उत्तम अवस्था के नाम से भी या आदर्श अवस्था के नाम से भी जानी जाती है। पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करना प्रायः सभी देशों की राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों का लक्ष्य होता है। क्या कि हर जो देश है, हर जो राष्ट्र है, उसका क्या इच्छा होती है कि वो क्या कहे पूर्ण रोजगार प्राप्त करे, प्रॉस्पेरिटी की अवस्था में रहे, समृद्धि की अवस्था में रहे, कभी भी उसको क्या हो डिक्लाइन या डिप्रेशन की कंडीशन को न झेलना पड़े। तो इस अवस्था में इन्होंने बताया है कि प्रत्येक उत्पत्ति के साधन का स्वामी जो प्रचलित दर पर अपने साधन के उत्पाद को कार्य में लगाना चाहता है लगा सकता है। जो भी क्या है उत्पत्ति का स्वामी है, ऑनर है उसका, वो क्या कर सकता है प्रोडक्ट को लगा सकता है क्या करने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए। पूर्ण रोजगार का अर्थ यह नहीं है कि बेकारी बिल्कुल नहीं रह जाती, ऐसा भी नहीं है कि इसमें क्या हर व्यक्ति के पास रोजगार है, पर क्या होता है कि मैक्सिमम जो लोग होते हैं उनके पास क्या होता है सब समय में रोजगार देखने के लिए मिलता है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके पास रोजगार नहीं होता है, क्योंकि श्रम की गतिशीलता के कारण श्रमिक एक काम छोड़कर दूसरे काम पर पहुंच जाते हैं, जिसमें क्या होता है बीच में बेकार हो जाता है और लोगों के पास रोजगार नहीं हो पाता। एक राइटर है हमारे लॉर्ड रेवरीज, वो कहते हैं कि 1944 में इंग्लैंड के लिए कम से कम 8% बेकारी का अनुमान लगाया था। 1944 में जो इंग्लैंड था उसने क्या करा था बेकारी का अनुमान कितना लगाया था 8% लगाया था। अतः पूर्ण रोजगार की अवस्था में यहाँ तक
बेकारी हो सकती है, क्योंकि मिनिमम बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनके पास रोजगार नहीं होगा, मैक्सिमम लोग क्या होंगे उनके पास रोजगार हमें देखने को मिलेगा। ऐसी अवस्था है जिसके बाद प्रभावी मांग में वृद्धि उत्पादन तथा रोजगार में वृद्धि नहीं करती बल्कि स्फीति का कारण भी बन जाती है। क्या बनती है? स्फीति बन जाती है। स्फीति क्या होगा? जब कोई प्रोडक्ट आता है बहुत ज़्यादा सेल होने लगता है, तो जब वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल होने लगता है तो उस टाइम क्या होता है, उस प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ा दी जाते हैं। आप लोग देखते हैं कोई चाय हो सकती है, चाय की पत्ती हो सकती है, कोई कॉलगेट हो सकता है, कोई शॉप हो सकती है, जब वो क्या करते हैं उसे मार्केट में उतारा और वो सेल होने लगी बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो क्या होगा, लोग सोचेंगे कि ये प्रोडक्ट हमारा अच्छा सेल हो रहा है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, इसकी डिमांड काफ़ी हो रही है, तो हम क्या करते हैं उस प्रोडक्ट के प्राइस क्या करते हैं बढ़ाने स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब प्रोडक्ट के हमने क्या करा, प्राइस बढ़ाने शुरू कर दी, जिसके बाद क्या होता है, प्रभावी मांग में वृद्धि उत्पादन तथा रोजगार में वृद्धि नहीं करती बल्कि स्फीति का कारण बन जाती है। इसको जो कहते हैं हम इन्फ्लेशन का एक नाम दिया जाता है। इन्फ्लेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होती है, जो आपकी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उनके प्राइस क्या होते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसके कारण क्या करते हैं लोग उन्हें खरीदना कम कर देते हैं। तो अब देखते हैं कि संक्षेप में पूर्ण रोजगार की अवस्था की विशेषता भी है, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब बात करते हैं हम रेसेशन की, कि रेसेशन क्या होता है। रेसेशन क्या होता है, किसी भी ट्रेड साइकिल की जो द्वितीय अवस्था होती है उसको हम रेसेशन के नाम से जानते हैं। रेसेशन में हम देखते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है, ठीक है, और वो जो प्रोडक्ट आता है जब, तो इस अभिवृद्धि की दशा में ही उसके नाशक के बीज भी मौजूद होते हैं। ठीक है, कि लोग क्या करते हैं जब प्रोडक्ट किसी को ज़्यादा खरीदने स्टार्ट कर देते हैं तो लोग जो प्रोडक्ट बना रहा था उसने क्या करा, इसके प्राइस बढ़ा दिए। अब उसने ये तो देखा नहीं कि अभी मैंने मार्केट में स्टार्ट ही करा था बिजनेस, उसे लगा कि मेरा तो सेल हो रहा है। तो हमें जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करें तो उसकी सारी कंडीशन, उसकी सारी अवस्थाओं को समझ लेना चाहिए। अब बात करते हैं रेसेशन की। रेसेशन वह अवस्था होती है जिसमें क्या होता है, जो प्रॉस्पेरिटी के से एकदम बाद आती है, इसमें क्या होता है जो प्रोडक्ट पहले बहुत ज़्यादा सेल हो रहा था वो प्रोडक्ट क्या होता है मार्केट में कम सेल होना स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, एक तरीके से प्रोडक्ट गायब होने की कगार पे आता है। ठीक है, उसकी पैकिंग में कमी कर देते हैं, उसके प्राइस बढ़ा दिए हैं, प्रोडक्ट जो होता है पहले अच्छा आ रहा था उसका प्रोडक्ट घटा देते हैं। कई बार करते हैं ना लोग कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट सेल हो रहा है, कोई आप स्वीट वाले की शॉप पर जाना, उसकी स्वीट बहुत ज़्यादा सेल हो रही है, बहुत ज़्यादा आ रहा है उसके पास ऑर्डर, तो वो क्या करता है उसकी क्वालिटी घटा देता है। ठीक है, क्वांटिटी उसकी कम कर देता है। तो जब उसने वो क्वालिटी और क्वांटिटी उसने कम करनी स्टार्ट कर दी तो वो प्रोडक्ट क्या हो गया, रेसेशन की कंडीशन में आ गया, वो प्रोडक्ट क्या हो गया कम बिकना स्टार्ट हो जाएगा उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि लोग पहले से इसलिए ले रहे थे, उसकी प्राइस सही थी, उसकी क्वालिटी अच्छी थी, उसकी क्वांटिटी भी क्या थी, सही थी और रीजनेबल रेट थे उसके, तो इसलिए लोग उसे लेना पसंद कर रहे थे, लाइक कर रहे थे। पर रेसेशन क्या है कि नहीं, लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं है, यहाँ पे विकासशील देश हैं बहुत सारे देश हमारे यहाँ पे, तो जब क्या होगा उस प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे तो लोग क्या करेंगे उस प्रोडक्ट को धीरे 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 धीरे, अब वो पहले स्टार्टिंग में आया था लोग अट्रैक्ट होते, कुछ लोगों को क्या होगा पसंद आएगा और कुछ लोगों को वो नहीं भी पसंद आएगा। ठीक है, तो अब पहले तो सबने खरीदा, अब कुछ को पसंद आया ना और कुछ को नहीं आया, जिनको पसंद नहीं आया उन्होंने उसको छोड़ दिया, लेफ्ट कर दिया। ठीक है, और जिनको पसंद आया वो यूज़ कर रहे हैं पहली बात। तो रेसेशन क्या होता है, किसी भी बिजनेस की वह अवस्था होती है जिसमें क्या होता है कि जो प्रॉस्पेरिटी में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बिक रहा था वो प्रोडक्ट हमारा बिकना क्या होता है कम स्टार्ट होता है। अब जिसने जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था या जो प्रोडक्ट बना रहा था वो देखेगा कि ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं, उन रीजंस को एनालाइज करता है, उन रीजंस को एनालाइज करने के बाद वो देखता है कि ये कंडीशन थी जिसके कारण हमारा क्या था प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाता। अब वो क्या करेगा उस प्रोडक्ट के ऊपर दोबारा से रिसर्च की उसने, उन रीजन तो उसने कुछ सॉल्यूशन निकाला, उसने सॉल्यूशन निकाला कि मैं क्या करूँ मैक्सिमम प्रॉफिट गेन ना करके इस प्रोडक्ट के लिए क्या करूँ एक रीजनेबल रेट रख दूँ। ठीक है, कि प्रोडक्ट मेरा मार्केट में सेल हो जाए, पहले उसने 10 रखा था तो अब क्या कर दिया उसको 7 रख दिया, पहले 5 में बेच रहा था बहुत ज़्यादा बिक रहा था, जब उसने एकदम से 10 कर दिया तो प्रोडक्ट क्या वो कम बिकना स्टार्ट हो गया। अब उसने क्या करा थोड़ा प्रोडक्ट की प्राइस घटा दी, उसकी थोड़ी सी क्वालिटी अप कर दी, जो डाउन कर दी थी एकदम से वो अप कर दी। क्यों? क्योंकि उसने उसमें रिकवरी करी। अब जब रिकवरी वो करेगा दोबारा से, क्योंकि रेसेशन में क्या होगा फिर से वही हो जाता है, तो उसने उसके ऊपर क्या करा रिकवरी करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, देखो जैसे अवरोध में आपको बताया गया है कि इस अभिवृद्धि की दशा में उसके ही नाशक के बीज भी मौजूद होते हैं, उस समय पश्चात कठिनाइयां प्रकट होने लगती हैं, बढ़ी हुई मजदूरी का अधिकाधिक उत्पादन करने के लिए अकुशल श्रमिकों को काम पर लगाने आदि कारणों से मजदूरी की लागत भी बढ़ जाती है, जो लेबर होते हैं उनकी लागत वगैरह बढ़ जाती है, उसके कारण भी रेसेशन आ जाता है। अब जब हमने रिकवरी करी, जिसे हम क्या कहते हैं पुनः उद्धार की कंडीशन के नाम से भी हम जिसे जानते हैं, अर्थव्यवस्था में अवसाद की स्थिति जो होती है तृतीय अवस्था होती है,
इसमें क्या है, इस अवस्था में अर्थव्यवस्था की आर्थिक स्थिति मंदी की स्थिति की तुलना में अधिक संतोषजनक होती है। ये क्या होता है, मंदी की स्थिति की तुलना में क्या होती है, अधिक संतोषजनक होती है। इस अवस्था में अर्थव्यवस्था की आर्थिक स्थिति मंदी की स्थिति की तुलना में क्या होती है, अधिक संतोषजनक होती है। आर्थिक व्यवस्था में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कि व्यापारिक क्रियाएं बढ़ने लगती हैं। अब क्या होगा, हमारा जो बिजनेस है जो पहले कम चल रहा था वो अब ज़्यादा चलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वही प्रोडक्ट अच्छा बिकना स्टार्ट हो जाता है, क्यों, क्योंकि हमने उसमें क्या कर दी, रिकवरी कर दी। फिर आता है डिप्रेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, अवसाद या मंदी की स्थिति के नाम से भी हम जिसे जानते हैं। व्यापार चक्र की यह क्या होती है, चौथी अवस्था के नाम से जाना जाता है। इस अवधि में अर्थव्यवस्था या उत्पादन तथा रोजगार के स्थावर में स्तर में क्या होगा, फिर गिरावट आती है। उसकी जगह पे क्या होगी, किसी कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया तो वो प्रोडक्ट क्या होगा, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी लोगों को बेकार लगने लगी, लोग उसको खरीदना पसंद नहीं कर रहे जो पहले जितना कर रहे थे, ठीक है। विनियोग में भी कमी आ जाती है, लोग इसके प्रति क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करना कम कर देते हैं। अर्थव्यवस्था में श्रमिक तथा अन्य साधन बेकार हो जाते हैं, जो लेबर है वो सब और जो श्रमिक है वो सब बेकार हो जाते हैं, तथा मजदूरी दरों में क्या होती है, अत्यधिक कमी हो जाती है। जो लेबर की रेट होती है वो भी क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है, इसमें कम हो जाती है। यद्यपि उपभोग की वस्तुओं की कीमतों में भारी कमी आ जाने से उनकी वास्तविक मजदूरी क्या होती है, वैसे तो कमी आ गई पर रियल वेजेस उनकी क्या होती है, बढ़ जाती है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नेक्स्ट टॉपिक में।